दोस्तों, आपने तक्षक नाग, साथ ही साथ वासुकी नाग और शेष नाग के बारे में तो सुना ही होगा। आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं आखिर कौन था सबसे खतरनाक नाग। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप भी इस रहस्य से पर्दा उठा सकें। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। दोस्तों, हिंदू धर्म के पुराणों में कुछ नाग और नागियों का उल्लेख मिलता है। नाग भारतवर्ष में वैसे भी धार्मिक दृष्टि से काफी महत्व रखते हैं। महाभारत से लेकर कई पौराणिक कथाओं में इनकी कहानियां पढ़ी जा सकती हैं। शेष नाग, वासुकी, तक्षक, कालिया, मनसा देवी, कैरवीय नाग, उल्पी, कई प्रसिद्ध नाग नागिन हैं जिनके बारे में जानने और सुनने को मिलता है। चलिए जानते हैं इसी क्रम में सबसे पहले शेष नाग के बारे में। दोस्तों, आपने कई पौराणिक कथाओं में इनका नाम सुना होगा। धार्मिक मान्यता है कि शेष नाग सब नागों में सर्वश्रेष्ठ है। ये भी कहा जाता है कि इन्हीं के फन पर समस्त संसार टिका हुआ है। शेष नाग का निवास पाताल लोक में बताया जाता है। हमने पुराने चित्रों में भी देखा है कि भगवान नारायण इनके ऊपर ही विश्राम करते हैं। पुराणों के अनुसार नागराज संसार से विरक्त हो गए थे। कहा जाता है कि पारिवारिक द्वेष के कारण संसार का मोह त्यागना चाहते थे। उनकी माँ, भाई और उनकी सौतेली माता विंदा और गरुड़ थे जिनमें आपसी वैर भाव था। इसीलिए माता और भाइयों को त्याग कर गंधमादन पर्वत पर उन्होंने तपस्या की। मान्यता अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दिया और पाताल लोक का राजा बना दिया। शेषनाग भगवान नारायण के सेवक हैं। मान्यता के अनुसार शेषनाग के 1000 सिर हैं। इनका कभी भी अंत नहीं हो सकता, इसीलिए इन्हें अनंत भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि शेषनाग सबसे बड़े भाई हैं। उसके बाद आते हैं वासुकी और तक्षक नाग। जी हाँ, ये सभी भाई हैं। अगला इसी क्रम में नंबर है वासुकी नाग का। वासुकी शेषनाग के छोटे भाई थे। शेषनाग के पाताल लोक के नीचे जाते ही अर्थात जल लोक में जाते ही उनके स्थान पर उनके छोटे भाई वासुकी का राज तिलक करके उनको राजपाट सौंप दिया गया। भगवान शिव का परम भक्त होने के कारण वासुकी उनके शरीर पर निवास करते थे। शेषनाग के बाद नागों के दूसरे राजा वासुकी ही थे। वासुकी के बारे में धार्मिक मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और राक्षसों ने मंदराचल पर्वत की मंथनी और वासुकी नाग को ही रस्सी के तौर पर प्रयोग किया था। वासुकी को देवताओं के नाग धर्मतृप्त तीर्थ में नागराज के पद पर बिठाया था। वासुकी नाग बहुत ही भीमकाय और लंबे स्वरूप के थे। वहीं दोस्तों, वासुकी ने नागवंश के अस्तित्व की रक्षा के लिए अपनी बहन का विवाह जरताकुरु से करवा दिया था। मान्यता है कि वह पुत्र आस्तिक ने जन्मजय और नाग यज्ञ के समय सर्पों की रक्षा की थी। चलिए अब जानते हैं तीसरे भाई के बारे में, यानी कि तक्षक नाग के बारे में। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार तक्षक पाताल लोक के रहने वाले 8 नागों में से एक है। तक्षक का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। वहीं श्रृंगी ऋषि के श्राप के चलते तक्षक ने राजा परीक्षित को एक युद्ध के दौरान डसा था जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है इसका बदला लेने के लिए परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया था। इस यज्ञ कुंड में अनेक सर्प आकर गिरने लगे। इस तरह नागवंश खतरे में आ गया। ऐसा होता देखकर तक्षक जान बचाने के लिए देवराज इंद्र की शरण में पहुंचा। जैसे ही तक्षक का नाम लेकर यज्ञ आहुति डाली गई, वह यज्ञ कुंड में गिरने लगा। तभी आस्तिक ऋषि ने अपने मंत्रोच्चारण से तक्षक को आकाश में ही रोक दिया और आस्तिक मुनि के आग्रह पर जन्मजय ने सर्प यज्ञ पर भी विराम लगा दिया। इस तरह तक्षक के प्राणों की रक्षा हुई। तो दोस्तों, ये थे मुख्य 3 नाग। इसके अलावा और भी है, जैसे कालिया नाग और मनसा देवी और साथ ही कौरवीय नाग और उल्पी जो कि एक नागिन थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। द भक्ति को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।